my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Students, in our previous video lecture, we have discussed Communist Party of India and Communist Party of India Marxist. I hope you have watched that most requested video. If not, then do check that out. I will link the video in the I button. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जहाँ पे हम फाइनली जानेंगे हमारी रिमेनिंग नेशनल पार्टीज की आइडियोलॉजी या वी कैन से उनकी गाइडिंग फिलॉसफी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द रिमेनिंग पार्टीज आर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. सो स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, बट इट डजेंट मीन कि इससे पहले कोई पार्टीज नहीं थी. पार्टीज और भी रही है, बट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी जो कि 1885 में फॉर्म्ड हुई थी एंड इसके काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट्स या डिविजन्स भी हो चुके हैं. इस पर्टिकुलर पार्टी का जो मेन एम रहा है शुरू से, इवन जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से, वो एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया को बिल्ड कराना है, विच मीन्स ये पार्टी डेमोक्रेसी, राइट टू वोट जैसे आइडियल्स में बिलीव रखती है और ये एक ऐसा देश का निर्माण कराना चाहती है जो मॉडर्न वेस्टर्न भी हो और सेकुलर हो, विच मीन्स जो हर धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट दे. एंड खासकर ये पार्टी स्टूडेंट माइनॉरिटी क्लासेस जैसे SC, ST एंड OBC कैटेगरी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है. इनका सिंबल हैंड है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं एंड ये एक प्रेजेंटली सेंट्रिस्ट ऑपोजिशन पार्टी है बिकॉज ये पार्टी ना राइट विंग वालों को सपोर्ट करती है और ना ही लेफ्ट विंग वालों को. चलिए अब इसे एक बार स्लाइड में देखकर रिवाइज करते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, founded in 1885 and has experienced many splits under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. The ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 1989. After 1989, its support declined, but it continues to be present throughout the country. The party's main idea is to promote secularism and welfare of weaker sections and minorities. So students, I hope आपको Indian National Congress की guiding philosophy या ideology समझ आ गई होगी. चलिए अब हम इनकी ही branch को देखते हैं जो है Nationalist Congress Party NCP. स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट होने से फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1999. दिस पर्टिकुलर पार्टी ऑल्सो सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधियन सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी फॉर ऑल. स्टूडेंट्स, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, वोटिंग राइट्स को सपोर्ट करती है, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, सबको इक्वल ट्रीटमेंट करने की बात करती है एंड फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग जैसे सिस्टम में बिलीव रखती है. स्टूडेंट्स, ये एक मेजर पार्टी रही है महाराष्ट्र में एंड इन्हें फुल सपोर्ट दिया गया है मेघालय, मणिपुर, असम जैसी स्टेट्स में भी. स्टूडेंट्स, ये पार्टी एक कोलिशन पार्टनर है कांग्रेस पार्टी का एंड 2004 से लेकर अब तक ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA की मेंबर है. आई होप आपको इनकी गाइडिंग फिलॉसफी समझ आ गई होगी. इट्स वेरी सिंपल एंड रिलेटेबल विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. चलिए स्टूडेंट्स, एक बार इस पार्टी को भी रिवाइज करते हैं स्लाइड में देखकर. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, इनका जो सिंबल है वो वॉच है, क्लॉक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी. सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधियन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम. अ कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004. अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू हैव एंजॉयड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस गाइडिंग फिलोसफी ऑफ 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज.
So if you did so, then do subscribe to my channel, do share it with your friends. It means a lot to me. Till then, take good care of yourself. Bye-bye.